92 News HD Plus की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में ईद मुबारक कहते हैं। पहले लेजेंड का तारुफ करवाएं। जी प्लीज। टेलीविजन, स्टेज, फिल्म, व्हाट नॉट, हर स्टेज पे एक अपनी ही नौयत का चमकता धमकता सितारा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मोहतरमा सना साहिबा, ईद मुबारक जी। बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू वेरी मच अपनी मसरूफियत में से, और स्पेशली ईद के दूसरे दिन जिस दिन इनके घर पे मेरे ख्याल में बहुत सारे खाने होते हैं, दावतों की भरमार होती है। और लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से भी ईद मनाना जो है वो कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप हम सब से मिलना चाहते हैं, तो थ्रू दिस चैनल हम अपनी ईद उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ घर वाले हैं जो आपसे नहीं मिलना चाहते, इस वजह से हम यहाँ उनसे जान भी छुड़ा सकते हैं। जान छुट जाती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है। बिल्कुल, कभी कभी जान भी छुड़ानी पड़ती है। एक्सक्यूज हो गई और प्रोग्राम का प्रोग्राम हो गया। ये पहलू मैं जरा छुपा रही थी, तुम्हारी ने फौरन बता दिया। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि हम लोग आपस में वक्त इतना गुजारते हैं रिकॉर्डिंग्स के दौरान कि इस फैमिली को ज्यादा वक्त देना पड़ जाता है उस फैमिली की निस्बत जिसके साथ हम रह रहे हैं। लेजेंड हमारे जी एक और जनाब रफाकत अली खान साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल फेम के मालिक रफाकत अली खान साहब। जी सर। खान साहब, जैसे वो लता साहिबा ने बोला था मेहदी हसन साहब के हवाले से कि उनके गले में भगवान बोलता है, बेशक मेरे ख्याल एक छोटा जहा भगवान भी तड़े भी गले बोलता है, और माशाल्लाह दुआ बोलती है, मेरी माँ की दुआ बोलती है, माँ की दुआ बोलती है, बट इट इज अनबिलीवेबल। आज की एक मेखन में मलेशिया या कहीं एक आपकी क्लिप वायरल हुई है जो आपने बगैर म्यूजिक एक जी बहुत जगहों पे नहीं वो आपने एक फ्यूजन किया है। हाँ जी, मैंने काफी और वो मेखन में कोई चंद लोग ही बैठे हैं और वहाँ आपने कुछ गाया है और वो मेरे पास पड़ी भी है, जी जी आपको दिखाऊंगा, बट दैट इज माइंड ब्लोइंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जी। इट्स रियली ऑनर टू मी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट शो। माशाल्लाह से मारिया जी बैठी हैं, आप बैठे और आप लोग हमारे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हमने सरकारी हमारे लिए इज्जत की बात है, कुछ किया है तो आप लोग बैठे। आई मीन दे 92 गेव अस द ऑनर टू इंट्रोड्यूस यू टू पीपल, वेयर एज यू ऑल डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आगा माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब। कुछ भी कहलाना ते ओ काटोएगा, आई एम स्पीचलेस वेयर एज योर परफॉर्मेंस इज कंसर्नड, और ताडे जिन्ने इस वेले वायरल क्लिप्स होए ने, और तुसी एक को लोहार वाला शेर जरा ताडा वायरल होया है वो नाइस डिस्कस करो ते अच्छा है ना। नहीं नहीं डिस्कस करते, पहले बड़ी मुश्किल ना निकले ओदे चो है ना, वो डिस्कस करेंगे हम, वो जरूर करेंगे, वो सुना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आप थैंक यू वेरी मच आपका, आप मारिया जी जितने भी मेरे मुल्क के इस वक्त स्टार, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठा हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप बड़े लोग हैं, रियली आप बड़े लोग हैं। आगा साहब प्लीज, आप लोगों को देख देख के कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, तो वाकई मतलब हम लोग तो मतलब कॉमेडी करते करते कुछ थोड़ा सा मतलब एक्टिंग की तरफ मुंह मारना शुरू कर दिया, वो मुंह मारने वाली बात है, आप तो जेन्युइन आर्टिस्ट सरकार, आप भी बहुत जेन्युइन है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना काम हमने आप लोगों का देखा, आपका देखा है, स्पेशली जो प्रोग्राम आप करते हैं, यू आर अनबिलीवेबल। मैं लगे आज के दौर में अगर हम बात करें, और आप देखें आपकी बात काट रही हूँ कि आजकल के दौर में सबसे मुश्किल कॉमेडी है, कॉमेडी है क्योंकि आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, हर दफा एक नई चीज चाहिए होती है, और ये बड़ा बात बात पे रुला देते हैं आजकल जी, ये हंसाना बड़ा मुश्किल है, बात बात पे हंसाना मुश्किल है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं कि रोज बरोज को ऐसा काम हो जाता है। माशाल्लाह। और उनके साथ अस्मा अब्बास साहिबा जी, सलाम मुबारक। आप अब साड़ी का पल्लू अगर ठीक करने से आपको फुर्सत हो तो फिर जरा शो में पार्टिसिपेट करें। इंट्रोडक्शन डिले करने का मकसद ये था कि आपके साड़ी का पल्लू ठीक नहीं हो रहा, इसमें जो कि बहुत सारी चीजें हैं तो मैं कहती हूं सब दिख जाएं, तो अपनी पहन के आती ना तो कोई प्रॉब्लम ना होती। साड़ी बेचारी सी एक काली सी एंड करके ना,
गोल्ड नहीं जाता सिल्वर नहीं जाता तो फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट मुश्किल से माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और फिर ये वही मुश्किल से ये, ये लेकिन बैलेंस लग रहा है ना हाँ। इस तरफ नहीं होता कभी इस तरफ नहीं बैलेंस है यू नो दोनों शैंडेलियर्स और वैसे भी माशाल्लाह इन तमाम बहनों में एक कमाल है मुशरापा में भी और अस्मा जी में भी बाकी हमारी बहनों में भी के व्हेन दे ड्रेस अप एंड दे कम ऑन द स्क्रीन दे लुक डिफरेंट एंड दे रियली नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ माशाल्लाह उसकी बहुत सारी अंगूठियां उनमें से और एक और लेजेंड इन प्रोसेस है जी ये अभी प्रोसेस का लेजेंड इन प्रोसेस नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम हसन नियाजी फ्रॉम कराची जी थैंक यू वेरी मच हसन फॉर जॉइनिंग अस जी बहुत बहुत शुक्रिया और आज के दिन जब गहमा गहमी होती है आपके भी घर में बिकॉज आप छुट्टियां मनाने लाहौर आते हैं ईद मनाने अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं उसमें से पेरेंट्स के वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालना वी आर ग्रेटफुल जी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ईद मुबारक टू ऑल ये अंगूठियों की बात अंगूठियां जरा नहीं किसी के तरफ से एक्टिंग वाले पास से चले गए है मैचिंग काली सारे नियाजी ट्रांसपोर्ट जैसी तुसी मैं जी ट्रांसपोर्ट की गड्डी लेके कराची गया शहर अच्छा लगा मैं कहा बस वापस भेजो मैं आ मैं हूं कराची रहूंगा वो ट्रांसपोर्ट हो गया ना ये एक्टिंग तो नियाजी ने अंगूठियां तो क्लांट मास्टर ने जी तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे चलिए आइए आइए बहुत सारी तालियां जी लेकिन मजबूरन काम की वजह से कमिटमेंट होती है तो लेकिन फिर वो यही होता है कि बस मैं दो दिन के लिए आती हूँ फिर चली जाती हूँ क्योंकि वैसे घर मेरा यहाँ भी है वहाँ भी अच्छा, है ओके, ओके। तो लेकिन पिया का घर तो पिया का घर ही होता है ना जी हाँ तो बस वो ये होता है कि फिर बस इसी तरह ट्रैवलिंग में रहता है खान साहब कमर्शियल दौर की ईद और नॉन कमर्शियल दौर की ईद में क्या फर्क लगता है देखिए जी मेरी नज़र में तो हर चीज़ इस दौर में कमर्शियल है नॉन कमर्शियल चीज़ नज़र नहीं आती नहीं हमारी जो पिछली ईदें थी वो हाँ जी हाँ जी वो नॉन कमर्शियल एक लिहाज से थी ये भी आप सही कह रहे हैं अगर रिलेटेड टू ईद अगर इफ टॉकिंग अबाउट एक चीज का जो थोड़ा सा अफसोस है अगर हम प्रीवियस ना जाएं मैं इसको शॉर्ट करता हूँ हर चीज कमर्शियल हो गई रिश्ते तो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल है एक आदमी था मैं क्विकली ऐड कर दूं वो जब अमीर हो गया तो उसको आदमी जी मैं सलाम करना आया चौहान साहब तुहानू कहना मैं थोड़ा सलाम पहुँचा देंगे वो कहते जी साडा सलाम तुसी कित्थे पहुँचाना तुसी ते इत्थे ही बैठे हो कहते नहीं आप मेरी दौलत को सलाम कर रहे हैं मैं उसको पहुँचा दूंगा मैंने खाने के अलावा जो है वो सुस्ती खत्म करने का प्लान था मेरा सो मैंने नहीं हो सकी काफी हद तक हुई है बंदा कैसे क्या किया आपने मैंने रेस्टलेस रूटीन बना लिया अपनी यानी कि शूटिंग पे वक्त पे पहुंच जाते थे अगर जरूरत होती है तो फिर मैं पहुंच जाता हूं अगर जरूरत होती है तो वक्त पे पहुंच जाता हूं मतलब
देखिए मेरा हमेशा से ये एतराज रहा है, मुझे पता चला था किसी और रैंडम शो में भी यही बात हुई थी कि हसन न्याजी बहुत ज्यादा लेट आता है, मतलब हसन न्याजी की जरूरत है, हसन न्याजी सबसे पहले पहुंच जाएगा, खादिम नौकर, जब जरूरत नहीं है तो ना तंग करो एक आदम को, अल्लाह ने बनाया। आप डिसाइड करेंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि जरूरत है कि नहीं, पता लग जाता है एक्चुअली आफ्टर इयर्स के वो काम के साथ कितने सीरियस हैं। ये वही है, ये वही है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। आला न्याय साहब ने जुमी भी नहीं है, मुझे जुमी भी बात याद आ गई, हमारे लेजेंड असली लेजेंड मोहम्मद कवी खान साहब असली सच मुझ के जो हैं, उन्होंने बात सीखी है कि आपका दिन जो है इन्होंने लिया है, आपको पैसे दे रहे हैं इसके, आपको सुबह 8 बजे से बिठा के रात 10 बजे तक बिठाएंगे, आपने बोलना नहीं है, आपका सीन कराएं या ना कराएं, ये आपका काम नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वो कर दूं मैं करेक्शन, दिन का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे किसी के नाम कर दें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ जो कानून कहता है वो 8 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे लेकिन हमारे हालात हैं होती है तो हम 10 घंटे कर दें, लेकिन सुबह 8 बजे से लेके अगर वो रात 12 बजे तक वो बिठा रहा है तो ये ज्यादती नहीं, है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, इसीलिए ये काम बर्बाद हो गई और इसीलिए ऐसे हुक्मरान हम पे आके राज कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मैं तो इसके अलावा एक और ये बात कर रहा हूँ कि देखें खान साहब अगर वो कहते हैं कि वो बहुत पंक्चुअल है माशाल्लाह बैठ जाते हैं, देखिए अभी वो बता रहे थे कि इन लोगों के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी गुड थिंग, करें ना, कर रहे हैं 8 बजे माजी साहब किस तरह दी आप पंक्चुअल को जो है वो नहीं कर रहे फॉलो, बाकी सब लेजी किसको कर रहे हैं, लेजी कौन है, ऐसा मैंने कहते चुप करो सब सब जिसका नाम भूल जाऊंगा वो नाराज हो जाएगा। नहीं तो ये जो लेजी है अंगूठियां इतनी जो पहनी है इसके पीछे कोई लॉजिक है, जी एक्चुअली क्या सुबह ये पहन रहा होता है इस वजह से लेट हो जाता है सेट पे आने में, अब्बा ने गिफ्ट किया ना, नहीं तो इसके पीछे कोई मिथ है साइंस है, मिथ है साइंस है, आई हैव टू एक्चुअली, ये होता ना कि ये रिस्क के लिए है, ये सेहत के लिए है, ये लेजीनेस के लिए है, नहीं ये टाइम टू टाइम एक्चुअली मुझे मेरी बेहतरी जरूरत इसमें से परफॉर्मेंस के लिए वाली कौन सी है, नहीं लब्धि मैं बहुत सालों से लगा हूं कि मुझे आखिरी वाली है, अभी भी आप लोगों की वजह से 3-4 उतार देता बेटा, ये इसमें लेट वाली कौन सी है और टाइम वाली सुस्ती ये वो खड़े इसमें से दूर की कौन सी और नजदीक की कौन सी है, गाना याद आ गया अच्छा है मेरी आजकल भी नवी भाई एक जिद चल रही है वादे साहब से, मैं ब्लू सफायर स्टोन की जिद कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं मुड़ जा, मैं कह नहीं, ये वो जिद उस वक्त से कि 4-5 स्ट्रिंग्स आ गई मेरे पास, ये ले लो वो जिद छोड़ दो, वो नहीं ना मैं जिद छोड़ रहा हूँ ना बस जिद छोड़ रहे हैं, इन चीजों पे आगा साहब बिलीव है आपका इस पे जी, ये पत्थर और ये जो इस पे अगर मुझे बिलीव होता तो एक बात जरूर होती, सब अल्लाह की तरफ से है, मालिक का करना है, कुछ भी नहीं पहना, रोटी खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आज की ईद भी ईद वाले दिन मतलब कि मसरूफियत किस तरह मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उस तरह जिस तरह लोग मैं मंगदा ईद वाले दिन मैंने स्पेशली पूछ रहा किस तरह की किया है, मैं ईद वाले शोज वगैरह बच्चे लेके तो लोगों के घर गए सेवियां मांग के ले आए, अच्छा ये करते हैं आप, खुदा का नाम मैं एग्जांपल आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, मैं ये अच्छा मैंने तो कहा कि वैसे ही जैसे लोग मनाते हैं वैसे मैंने ईद मनाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक 92 न्यूज HD प्लस, ईद मना रहे हैं आपके साथ, हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं आपकी ईद का मजा दुबाला करने के लिए, और मैं ये हसन न्याजी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपसे कोई नाराज हो जाता है तो आप कैसे मनाते हो? अल्लाह का शुक्र है मुझसे कोई नाराज ही नहीं होता, नहीं ये आपको लगता है कि नाराज नहीं नाराज होता है क्योंकि ज्यादातर ये खुद ही रहते हैं नाराज, दरअसल जिसकी शूट पे आप लेट पहुंचे वो भी नाराज नहीं होते, मैं वही गुजारिश करूं कि प्रोड्यूसर तो हो सकता है नाराज, नस्मा साहिबा कैसे अभी भी बहनें सब मिलके ईद मनाती हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बा मेरे साथ रहे हमेशा, अच्छा, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी मैं उन तरफ से भी बड़ी हूँ, इस तरफ से मैं छोटी हूँ लेकिन बड़ी, बड़ी हैं नहीं उस तरफ से, अच्छा उनकी ससुराल में मतलब मैं बड़ी भाभी, बड़ी जगह से बड़े जी सबसे बड़ी भाभी हूँ, और मेरे इस तरफ से मैं सबसे छोटी बहन हूँ,
लेकिन चूंकि अम्मी अब्बा मेरे पास है, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो मेरे घर में ही सब बातें हैं दोनों तरफ से। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे घर में हमेशा से ईद मेरे घर में ही होती है, पुलाव बनता है, पहले अम्मी बनाती थी, अब मैं बनाती हूँ, आलू गोश्त पुलाव टिपिकल वही होता है। और दोपहर तक खूब हल्ला गुल्ला और खाना खूना गाना बजाना सब कुछ नाच गाना, चार बजे फिर सब चले जाते। बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती माशाल्लाह, कोई 25 30 40 अपना ही फंक्शन हो जाता। अपने दोनों तरफ से आ जाते हैं, मेरे नंदे भी, इनके बच्चे, मेरी बहनें, ये इन बहनों की क्वालिटी खुद कफील है माशाल्लाह। मेरे मियां जो है वो शुरू हो जाते कहते हैं चलो भी लाइन बनाओ ईदी के लिए लाइन बनाओ, उसमें मेरी बहनें भी खड़ी होती हैं, फिर सबको हजार हजार मिलता है जो, और छोटों को फिर 100-200 के बच्चे ही बच्चे हो जा रहे हैं, बते बात करें तो ऐसा कुछ करें 50,000 पे लग जाता है। अच्छा, बट योर रेट कम हो गया है इतना। बट योर फैमिली, बहनें जो हैं, आई मीन इतना हंसी मजाक, एंड वी ऑल नो बिकॉज़ हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपके हस्बैंड की फैमिली भी उसी तरह है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कुछ ना पूछे, वो हमसे भी चार हाथ ज्यादा है। नहीं नहीं, ये ना मेरी नंदे कोई मजे की बातें करती हैं, कोई और मेरी सास अल्लाह बख्शे बड़ी मजेदार थी वो भी। अच्छा, उनका एक वाकया बड़ा प्यारा था। एक दिन मैं गई सोई हुई थी ना, मैं क्या अम्मी जी सुते हो की हुआ, हाय हट जा मैं सौन दे, मैं क्या अम्मी होया की दसो, नहीं मैं दराज साफ कर दी पीसा विच गोलियां सी ते मैं खा लिया, कि गोलियां जी पता नहीं की सी, मैं क्या फायदा ही करनी है, तो मैं नींद ही आई जाती माशाल्लाह। वो भी बड़ी मजे मजे की बातें करते हैं, तो हम सब जब मिल जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। बहनों में आपकी लड़ाई होती है किसी से कभी? लड़ाई मैं तो खर सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो यस जी जी बाजी जी बाजी जी बाजी जी जी बाजी जी बाजी। दबी हुई बहन? नहीं, दबी भी नहीं हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, बेबीज होती हैं, तो लड़ाई बड़ाई हमारे घर में होती है। नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे बहनों में होता है ना, तो फिर मनाता कौन है या यू नो बच्चे? नहीं, हमारे घर में जो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग जो हमारे घर में बहनों में है वो बुशरा बाजी है, वो माशाल्लाह इतना ज्यादा कि हम कहते हैं इसको तो वेली काम ही कोई नहीं, काम लगाओ माशाल्लाह। जितनी वो मसरूफ है और जितनी बड़ी माशाल्लाह वो स्टार है, जैसे सुमल आपा कहती है ना, अभी मैं तुम्हारी जितनी मशहूर होती मैं तो मुंह भी ना लगाती किसी को, तुम तो पीछे पड़ी रहती हो। तो वो माशाल्लाह बहुत हमारे में एक दूसरे की, सबके बच्चों की फिक्र होती है, एक एक बच्चे की फिक्र है। ऐसे उनको थोड़ा सा टाइम मिले तो कनाडा या जहाँ उनकी बेटी वहाँ चली जाती है बर्तन धोने। हाँ बिल्कुल, और यहाँ मेरे घर भी वो आके मेरे बच्चों की फिक्र है, उनके बच्चों के बच्चों की फिक्र है, तो वो बहुत हमारी। स्टार होना कई दफा बबाले जान भी बन जाता है, चैलेंजिंग बन जाता है, आपको अपने घर को ज्यादा देखना पड़ता है। जी वो तो आई एम श्योर, यस। स्टार होने के नाते एज अ स्टार ईद मनाना और एज अ बेगम ईद मनाना बिल्कुल ऐसे मेरे जैसे ये उनकी बातें सुन रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह मेरे भी घर का माहौल ऐसा ही होता है, मुझे भी अपनी बहनों की ज्यादा फिक्र होती है, तो मेरी बहनें भी इसी तरह कह रही थी जिस तरह तुम मशहूर है मैं हम मशहूर होते तो मुंह भी ना लगा। मुझे मुझे लगता है कि ये देखिए नाजरीन किस तरह खुल के लोग सामने आ रहे हैं, हमारा मकसद यही है असली शक्लें लोगों के सामने आनी। और मैं तो बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया मेरे भी घर में इसी तरह, अगर मैं मोस्टली लाहौर में ईद मनाती हूँ, और क्योंकि अम्मी भी इधर होती हैं, बहनें वगैरह इधर हैं, एक बहन वहाँ पर है, तो या फिर अगर उधर ईद मनाती हूँ तो उधर अक्सर मेरी सास आ जाती हैं, सास ससुर दोनों आ जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और बिल्कुल एक घरेलू जैसे होता है हर वो हैपनिंग वही सारी चीज़ें। हमारे घर में चार बजे के बाद बहुत बोरियत होती है, मेरी बेटी तो छम छम रोने लगती है कि अब क्या करें जब चले जाते हैं। हाँ मतलब अब क्या करें, तो हम मैं के बेटे अब क्या करना है, क्या मतलब है अब हम बस खत्म हो गई ईद। ईद वाले दिन तो 2 बजे से बाद ही आना शुरू होते हैं। नहीं हमारे घर में तो आ जाते हैं, काम ही देना चाहो इन्होंने आपने पहले कहा कि जैसे कि बिरयानी बनती है वो बनता है फलाना भाईजान, तो देखो कि मौसम तो देखो गर्मियां दा सोने करेले गोश्त बनाओ बंदा पूछे भी हादा कुटिया कीमा विच एडा लंबा अदरक हरिया मिर्चा वो तो पूरा महीना ही खांदे रहने आ सारा महीना को अपने बीजे करेले 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 मंगा के परे कभी कभी कीमा करेले करे करेले गोश्त वो कह रहे हैं कि हमें बुलाइए जरूर बुलाऊंगी। हर खानदान की ना एक ईद स्पेशल डिश होती है, तो है कोई आपकी? सर मैं तो जो मिल जाए, लेकिन ये है कि खुश खुराक आदमी हूँ। अच्छा क्या क्या प्रेफर करते हैं ईद वाले दिन खाना सुरीला? इतने भी लोग होते हैं ईद वाले दिन एक उनकी स्पेशल डिमांड होती है, जो भी आपके घर कोई आए या मेरे घर कोई आए या इनके घर,
तो एक आपस में वो एक देखिए सबकी फरमाइशों के जो है ना वो डिशें होती हैं कि भाई अब खाएंगे। ईद वाले दिन नहीं खादा जाता, जरूरत तो ज्यादा हो कि तुसी शॉपर लो आए ने मेरे दे नाल उधर मेरे को कॉर्पोरेशन है। अच्छा अच्छा आप हर बात को क्यों इस तरफ ले जाती। अच्छा कहा है ना मैं कहता मैं ईद वाले दिन सब खादा। अच्छा क्यों और क्यों नहीं खाया, तो ना मानने वाली बात है ना, ये मिसाल देनी है। एसिडिटी हो गई और घबराहट मुझे होने लगी, बर्निंग हो गई। छह प्लेट नूडल्स की नहीं नहीं छह सिंगल लंबी लंबी सोना खाना चाहिए बंदे नूडल्स। आई सब यू एग्री विद आगा जी। जी मैं आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ ईटिंग। मैं कहता हूँ कि नहीं रुक भी जाना चाहिए ना खाते। फूड इज नॉट फॉर प्लेजर, इज फॉर लिविंग। एक्चुअली आपको खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। और एकदम से खा जाना और एकदम से इतना करना साल का ही खाना, ये बड़ी एक समझदारी वाली बात है। सर एकदम क्यों खाना इतना बड़ा खा के बंदा अगो को चुकन लगा थोड़ा जा खाओ तो मेहमानों को टाइम दो। एक दफा खा ले लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन सुरीला खाओ, सुरीला खाओ, खाना सुरीला होना चाहिए। ये नहीं भी हुन ईद वाले दिन भी मां दी दाल नु तड़का लाया हमारे गाने बजाने वालों में जो रिवायत है, जो ट्रेडिशनल घराने हैं जैसे क्लासिकल के घराने, खाना बड़ा मशहूर वो खाना उनका जो खाने पे फोकस किया जिंदगी भर उन्होंने और इसीलिए उनका गाना और खाना यही जिंदगी रही उनकी पुराने जमाने में। तो पुराने जमाने में किसी की डेथ भी खाने से हो जाती थी तो पता नहीं लगता था इसको शुगर है, पता नहीं लगता था इसको कोई दिल की बीमारी है। कहते जरदा खादा तो उठ ही बैठ गया जी अवेयरनेस ये नहीं पता कि उसकी शुगर कितने लेवल। आज का जो गाने बजाने वाला है जैसे हम आप एक पढ़े लिखे मीडियम में काम कर रहे हैं तो वो कहते यार मैं तो सुबह सिर्फ एक स्लाइस लेता हूँ। पुराने जमाने में तो सरदा ही पीते थे क्योंकि हमारा क्लासिकल गाना मुश्किल चीज़ है, उसमें आपको बड़ा जोर से यहाँ तो सीढ़ी पे गा के बंदे खुश होते। जब हम गाते हैं जब क्लासिकल ये करना पड़ता, पहलवानी है शुद्ध मलार गाए उमड़े गने घुमड़े भरे सद वाह 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 क्या बात है वाह वाह वाह। इसके लिए आपको खाना चाहिए इतना सा, ये होते हैं उस्ताद। आपने ताने मारनी है पलटे करने सो देसी घी और देसी घी और लेकिन उसके साथ थोड़ा वरना आजकल का दुकान है तुम जो थे मैंने खीम में से निकला गाना वो जो नहीं था वो इतने का खाना। Welcome back after the break. 92 News HD Plus. हमारी ईद आप लोगों के साथ आपके फेवरेट सितारे। क्या मजा आ रहा है भाई, आज तो बड़ी मौसीकी वाली हमारी ईद हो गई है। क्या बात? म्यूजिकल जी। हाँ जी, फिर ये एक रैपिड फायर है। रैपिड फायर क्या है? I'll just throw a question और जिस जिस को जो जो समझ आए वो उसका जवाब दे दे। सबसे हाँ, सब, सब, सब के लिए हाँ, जो जो what you think about it. I love you, जब एक सवाल नहीं है तो उसका जवाब देना क्यों जरूरी होता है और क्यों मांगा जाता है ना? जब भी कोई किसी को आई लव यू कहता है तो आगे से इंतजार करते हैं कि I love you, पता नहीं होता ना कि है really? नहीं, it's more like a same to you. और अगर ना कहे कोई तो एक नहीं, ये कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि ऐसा हो सकता है। आई गेस अगर किसी ऐसे शख्स को पूछ लिया जाए जिसको बिल्कुल यकीन ना हो, यकीन ना हो कि मुझसे वो मोहब्बत करता है, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। कभी हुआ जिंदगी में? बड़ी दफा हुआ, बड़ी कोशिशें की। माशाल्लाह इतनी दुनिया आप घूमे ये नहीं हो सकता, और जितनी माशाल्लाह सुरीली आवाज है। मर्द हजरात कोशिश करते हैं। अगर मैं ये सना साहब से बात पूछता ना तो फिर ये एक फाउल होता कि ऑब्वियसली जी बिल्कुल डेफिनेटली बहुत से लोगों ने कहा हो और मार पड़ने का भी डर वो
नहीं देखे आप असल में वन साइडेड लव बहुत सारा है जो है वो जिंदगी में चलता है आपको बहुत सारा बन मुझे तो अभी भी किसी से मोहब्बत हो रही पर मैं कह नहीं सकता अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है कोई पर मैं हमें कह देते हैं प्लीज वही वाली बात हो गई ना कि मोहब्बत इतना अच्छा फेल है कि इसको बार बार करने को दिल करता है बिल्कुल बिल्कुल ये तो वही बात है कि आपने कहा किसी से आई लव यू तो शर्म नहीं आती मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सॉरी बाजी मेरे से गलती कभी कहा किसी ने आई लव यू आपने आगे से मी टू कहा क्या कहा जब कहा तो उम्मीद थी कि कहा जाएगा नहीं हम भाईजन की बात नहीं कर रहे अच्छा वैसे आम हाँ अब तमीज भी कुछ चीज होती बंदा चुप सा कर जाता हैरत होती है नहीं नहीं हैरत उसकी लगता है कि शायद वो नहीं नहीं ऐसा हो देख नहीं पा रहा नहीं नहीं हो जाता आमतौर पे तो वैसे कभी इतना किसी की जरूरत नहीं होती लेकिन अगर कोई बेचारा कर ही ले बात बहुत इंटरेस्टिंग है कोई जरूरत कर ही ले ना तो मैं ऐसे स्नैप नहीं करती मैं स्माइल कर देती हूँ और मैं कहती हूँ चले और अगर आपकी स्माइल का अगर वो गलत मतलब ले जाए कि एक्सेप्टेंस हो गई मैं उसको कहती हूँ ओके लेकिन ये जब एक सवाल नहीं तो फिर इसका जवाब देना जरूरी नहीं पहली बात तो ये ठीक है तो अगर किसी ने सवाल के तौर पे कह ही दिया तो फिर उसको क्यों खाली वापस करना बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू में समझ गया बड़ी अच्छी बात है किसी को खाली मत अपने दर से भेजो अगर वो मोहब्बत मांग रहा है तो उसको मोहब्बत देनी चाहिए अच्छा अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो क्या होगा जी सना साहिबा एक दिन के लिए वजीर आजम बन गई बहुत सारा कुछ है एक दिन थोड़ा पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं बहुत करप्शन है बहुत मतलब बहुत सारी शिकायतें हैं अच्छे अच्छे वाले काम करना चाहती हूँ जी जी मैं तो एक ही काम करूंगा काला बाग डैम बना दूं अरे ना ठेका भी अपने ना कराओ बेलचा लेके चला जाऊंगा कोई नहीं आ रहा मैं तो जाऊंगा बस यही काला बाग डैम अच्छा जी आगे जाने देखिए जी मैं अगर एक दिन के लिए वजीर आजम बना तो मुल्तान खिंच के अच्छे ले आवांगा तो भरा वजीर आला बना देंगे ये सबसे पॉजिटिव ये जो जो अंदर से मन चाहता है ना कि ये सच्चे आदमी की निशानी ये सच्चे आदमी की बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेगा बाकी वो कर लेगा आप ही करता रहेगा दोनों मिलके करेंगे तो अच्छे करेंगे पाकिस्तान नु चाइना दे हवाले कर दंगा पांच साल नहीं तो हो चुका वो तो हो नहीं मतलब मैं अपने हाथी भी करांगा ना तसल्ली वाला ठीक करके दे दीजिएगा या इस तरह के दो तीन और बना के दे दे है ना जी जी मैं तो ऐसा करूंगी पूरा दिन अगर मुझे मिल जाता है बाजा बाजा तबला मंगावांगी चारों पैना बह के गाना गावांगी शाम हो जाएगी तो चारों पैना अपना इलाज क्यों नहीं करांदी है किसी अच्छे अगर वजीर आजम ना भी हो तो चारों पैना ने असेंबली में बड़ा कुछ हो सकता है एक दिन में ठीक थोड़ी करना है आपने अपने लिए कुछ करना है तो हमारे लिए बहुत है कि चारों महीने बैठ के गाने गाए उंगली उठाई जाती है अच्छा आपके ख्याल में मुल्क में सबसे ज्यादा जहीन सियासतदान कौन है यहाँ पे तीन नाम है लेकिन लेट्स जस्ट आजकल कौन है हमारे मुल्क जी खान साहब सियासतदान की बात जो मुल्क के लिए अच्छा सोचता है मैं समझता हूँ मैं किसी जमात से नहीं हूँ नॉन पॉलिटिकल पर्सन आई थिंक सारी सोचते हैं इसमें कोई बात नहीं ये भी एक डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा इमरान खान साहब आपको लगता है वो ज़हीन सियासतदान है हमें अग्रेसिव है इज नॉट रियली इंटेलिजेंट मैं ये मैं पूछ रही हूं कि इज अग्रेसिव मैन लेकिन अग्रेसिव मैन कभी-कभी कुछ कर भी जाते हैं पैड़ा भी कर जाते हैं लग जाते हैं ना तुक्कों की बात कभी लग जाते लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का आदमी थोड़ा जो अग्रेसिव है शायद कुछ अच्छा बड़ा रेवोल्यूशन आ जाए कोई हमारी दुआएं जी जी सना साहिबा ज़हीन सियासतदान किसे समझते हैं सवाल का वही हां ज़हीन सियासतदान कौन सा है मुझे नहीं लगता कोई भी है बड़ी अच्छी बात की जी इस्मा साहिबा क्योंकि वो जितना मर्जी उधर मोड़ लेते हैं मुड़ जाते उधर मुड़ गए उधर मुड़ गए उधर मुड़ गए सही नहीं है ना नोबडी नोबडी
सियासतदानों को बड़े करीब से देखा है, सबसे अच्छा और सबसे ज़हीन सियासतदान चौधरी निसार साहब भी बड़े ज़हीन सियासतदान है। चौधरी निसार साहब हो गए, चौधरी शुजात साहब हो गए, बड़े ज़हीन सियासतदान। ज़हीन समझते हैं आप? अगर दुनिया एक स्टेज है तो उसकी ऑडियंस कहाँ किधर है? आहा, वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। अगर दुनिया एक स्टेज है तो फिर इसकी ऑडियंस किधर है? वही है ना, जैसे खुद कंपोज कर रहा हूँ, खुद गा रहा हूँ, खुद ही गा रहा हूँ, खुद ही शो कर रही हूँ, ऑडियंस खुद ही स्टेज हूँ, वो बैठा है ऑडियंस, तो उसकी फिर वहाँ है जी, जहाँ ये वाला ऊपर बैठा है ऑडियंस, फाइनल हो गया है, बहुत अच्छा सवाल है, पीछे छतरा, बहुत अच्छा सवाल, वेरी डीप क्वेश्चन, वेरी डीप और सोचों में डाल देने वाला सवाल है ना। लेकिन हमारा ये शो है कि टाइमिंग है, ज्यादा सोचों में नहीं आना। बताएं जी, ऑडियंस हम लोग ही हैं, एक दूसरे का शो देख, आपका तमाशा मैं देख रही हूँ, मेरा तमाशा ये देख रही है, अलग अलग अलग, सिर्फ देख नहीं रहे, एक दूसरे को हम बना रहे हैं, इसी बात है। तो एक स्टेज पे हम चार लोग भी हैं जिनका तमाशा कोई और देख रहा है और हम एक दूसरे को तमाशा बना रहे हैं। ना, दुनिया तो एक स्टेज है, किरदार है हम तुम सभी, हम किरदार, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की, बारी बारी है, बारी बारी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम ही एक दूसरे को जज कर रहे हैं, हम ही एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आपने आती कहा कि लेजेंड्स के साथ कुछ लेजेंड्स प्रोसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन लेजेंड हो सकता है, सिर्फ लेजेंड यही है, हम नहीं है। जी न्याय साहब, आगा जी, जी जी जी, अस्मा साहिबा क्या कहती है? मेरे ख्याल में तो वो अल्लाह ताला है जो सब देख रहे हैं, और वो कुछ तो थे पैनी पे जाके, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है जी। ऑडियंस तो हम आपस में ही ऑडियंस हैं, जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है हम देख रहे होते हैं, जब हमारी बारी आ जाती है हम परफॉर्म करने लग जाते हैं, डिपेंड्स के हमारी बारी ऑडियंस कितनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप आप इस महफिल को उतना एंजॉय कर रहे हैं जितना हम यहाँ पे कर रहे हैं। ईद के मौके पे कोई ऐसा पैगाम जो आप इस कौम को देना चाहें, हम लोगों को देना चाहें, हम पाकिस्तानियों को देना चाहें, कोई ऐसी बात? दुआ है ईद के मौके पे, अल्लाह ताला ये खाम खा की जो जंग हम पर मुसल्लत की गई, ये खाम खा की जो किलिंग हो रही है, मासूम लोग मर रहे हैं, पिछले 30 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि जिनके दिल नाराज़ हैं वो उनके दिल ठीक हो जाए और पाकिस्तान में ये जो कत्लो गारत है इसको खत्म कर दे, खत्म कर दे, बस यही दुआ है। और हमारी भी यही दुआ है कि इस मुल्क में खुशियाँ आए सिर्फ, आमीन, और जो गम के साए हैं और जो बादल हैं वो झट जाएं, और ये जो नजर लगी हुई है पाकिस्तान, मैं अक्सर ये कहता हूँ बिल्कुल नजर, पाकिस्तान को बेसिकली नजर लगी, बहुत बुरी नजर लगी है, और किसी दूसरे की नहीं लगती, अपनों की अपनी लगती है, तो हमारी अपनों की जो नजरें लगी हुई हैं वो नजरें अल्लाह पाक को, हमसे मत पूछो मंदिर टूटा सपनों का, औरों की बात, औरों की बात, ये जी सना साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूँगी सबको ईद मुबारक, और प्यार मोहब्बत बांटें, ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, अपनों को मनाएं जो रूठे हुए हैं, बस मिल बैठ के ये ईद गुजारें, बस हम लोग तो ये, मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि वी फील सो ब्लेस्ड के हम अपनी ईद सबके साथ मना सकते हैं, हमें मौका मिलता है, हम अपनी चीज़ें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों से दरख्वास्त है जब हम अपनी बातें कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं, किसी को मत बताइएगा और बस भूल जाइएगा, खुश रहिएगा, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, तनकीद बराए तनकीद निकलिए, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसको इंजॉय कीजिए। आगा जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी, अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों का, इस मुल्क का ख्याल करें, बेशक इससे मोहब्बत करें, और खुसूसी तौर पे अपने माँ बाप घरों से, भाइयों से, दोनों घरों से, हर घर मोहब्बत, दोनों घरों से, कौन से लाहौर में जो आप कर रहे हैं और एक मुल्तान में बाहर टेंट लगा के दोनों घरों का, मेरे घर तीन है सना जी, मेरे तीन घर, माशाल्लाह आप ये कह सकते मेरे हैं, तीन घर है, मेरे बाकी दे भी जानते रहने, थोड़ी मेहरबानी है, मेरे तीन घर है, एक कराची में, एक लाहौर में, एक मुल्तान और एक किसी के दिल में, इनसे कसम उठवाएं ये इस नजरिए से कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी नजरिए से कह रहा और क्या हो सकता है किसी के दिल में आपका घर हो, ये एक अलग बात, पूरे पाकिस्तान में है वो तो, है ना, किसी के घर घर है ना, पूरी स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, और जितना लोग आपको प्यार करते हैं आगा साहब,
You're a blessed one. Thank you very much. किया करें अल्लाह पाक। हाँ, ऐसी बातें ना किया करें। नहीं तो कुछ कोई खास चीज नहीं मुझे नजर आई अभी तक। बस अब जो होना था वो हो चुका। नहीं, नहीं, मैं कहता हूँ जो मर्जी करें, ये दो तीन घरों वाला रौला। अब जो मर्जी करें तो फिर ये नहीं, नहीं देखे इस बात की करने दे। अगली दो मेरे बच्चे मेरे को बैठे हो ना होवे अपने मापे बैठी होवे ये चाहते नहीं भाई नहीं की बात कर जी सब आप नहीं बच सकते प्लीज बोले ना कुछ आप भी मैं बस यही गुजारिश करूंगा मोहब्बत बांटे जितनी बांट सकते जी जी मैं जब से होश संभाला बांटे जा रहे हैं मोहब्बत बांटे ये अच्छी बात है मोहब्बत बाकी बांटने वाली चीज है और दालचीनी हो जाना चाहिए कि समेटनी शुरू कर दें बांटना शुरू कर दें बांटने से मजीद बढ़ेगी जी बिल्कुल अस्मा साहिबा जी बस मेरा तो पैगाम ये है कि नेगेटिविटी जो है अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए और हमें अपने रवैये बेहतर करने चाहिए और पोलाइट हो जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल जमीन पे गिर जाना चाहिए किसी की कोई गलती है तो उस पे बड़े प्यार से पर्दा डाल के निकल जाना चाहिए हमारा दीन भी यही कहता है ना कि उसकी गलती को हम नशल करना शुरू कर दें आपके साथ बुरा करता है तो उसको करने दें आप अपनी अच्छाई ना छोड़ें तो बस यही ऐसी से मेरे ख्याल में बेहतर से बेहतर इंसान हम बन सकते हैं और यही मेरे तो दिल का सुकून यही है वाह 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 आपको तो पता ही जी मारिया साहब आप कुछ कहना चाहेंगे नहीं मारिया ने कुछ नहीं कह रहा कह रहा अच्छा इन लोगों ने सब कुछ कह तो दिया यही कहना चाहती हूँ मेरी मेरी ये दरख्वास्त है कि ये जो सितारे हैं इनसे प्यार कीजिए ये आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी ऊपर बातें सुनवा के आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं ये बहुत बड़े जिगरे की बात है ये इससे बड़ा जिगरा कोई नहीं होता कोई अपने ऊपर बात नहीं सुनता है ना जी जी बच्चा ऐसे ही है और हम लोग अपना मजाक भी उड़वाते हैं और वो हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे होते वो सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं तो जो नाराज़ हो जाते हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ भूल जाएं अगर कोई गलती हमसे हो जाती है माफ़ कर दें बरगुजर कर दें तो बहुत बड़ी बात होती है और जाते जाते द लेजेंड वन एंड ओनली रफाकत अली खान साहब दरख्वास्त करेंगे The love has gone and I'm all alone No good mornings, a lonely dawn Oh Allah jaane ve maangi ve tera pyaar ki मैं हर वेले